एवरीवन, वेलकम टू द मेकअप डायरीज। आज मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ, क्योंकि गर्मियाँ हैं, धूप इतनी तेज है, तो सन टैनिंग यानी कि यू नो चेहरा काला हो जाता है, स्किन काली पड़ जाती है धूप की वजह से। इट इज़ वेरी नॉर्मल, यू नो सबसे इम्पोर्टेंट यू नो आप कितना भी सनस्क्रीन लगा लें, थोड़ी बहुत टैनिंग इट इज़ वेरी नॉर्मल, ये होती ही होती है। तो उस टैनिंग को हटाने के लिए मैं लेके आई हूँ एक बहुत सिंपल होम रेमेडी। आपको ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की अगेन ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता होगा कि मैं जनरली ऐसी होम रेमेडीज ही बताती हूँ जिसमें आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए और ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े। बिकॉज ऑब्वियसली जैसे यू नो मैं एक वर्किंग लेडी हूँ, मुझे ऑफिस भी जाना है, घर का काम भी करना है। तो अगर यू नो मैं कोई आपको रेसिपी या होम रेमेडी बताऊंगी, वो ऐसी बताऊंगी जो झटपट यू नो इंस्टेंटली हो जानी चाहिए, इतना इतनी मेहनत नहीं करनी पड़े और इतना टाइम नहीं है। तो हम आप टाइम क्यों वेस्ट करें, लेट्स गो एंड लेट्स स्टार्ट दिस होम रेमेडी। आपको इस होम रेमेडी के लिए चाहिए दो चीज़ें। अगर आपकी एक इंग्रेडिएंट सेम रहेगा, एक है एनी कॉफी पाउडर, जो भी आपके घर में कॉफी पाउडर अवेलेबल है आप उसे ले सकते हैं। मैं ये ब्रू कॉफी पाउडर ले रही हूं। अब अगर जो सेकेंड इंग्रेडिएंट है वो डिपेंड करेगा आपका स्किन टाइप कौन सा है। अगर आपका स्किन टाइप ऑयली है तो आप गुलाब जल यूज करेंगे, और अगर आपका स्किन टाइप ड्राई है तो आप कोकोनट ऑयल यूज करेंगे। अब आपको क्या करना है, मैं सिर्फ एक चम्मच कॉफी पाउडर लेना है, उसके अंदर कोकोनट ऑयल या रोज वाटर मिक्स करना है, लाइक 1:1 के रेशियो में, ज्यादा नहीं चाहिए। अगर आप एक चम्मच कोकोनट ऑयल ले रहे हैं, सॉरी एक चम्मच कॉफी पाउडर ले रहे हैं, तो एक चम्मच कोकोनट ऑयल डालिए या एक चम्मच रोज वाटर डालिए और उसकी पेस्ट बनानी है। अगर आप कोकोनट ऑयल डाल रहे हैं तो हल्का सा उसे माइक्रोवेव कर लीजिए, हल्का सा गर्म कर लीजिए, कुछ ऐसी पेस्ट बनेगी, देख लीजिए। और उससे क्या करना है, जहां भी जिस भी एरिया में आपको टैनिंग है उस पे धीरे धीरे ऐसे स्क्रब करना है सर्कुलर मोशंस में। जैसे आप स्क्रब करेंगे धीरे धीरे, आपको कम से कम 5 से 10 मिनट ये स्क्रब करना है, ठीक है। स्क्रब करने के बाद इसे छोड़ दीजिए एंड देन जस्ट वॉश्ड ऑफ। नॉर्मल इसको जैसे धोना है, आप नहाना चाहते हैं इसके बाद, क्योंकि कई बार पूरी बॉडी पे टैनिंग भी हो जाती है, आप इसे फुल बॉडी स्क्रब की तरह भी यूज कर सकते हैं, अपने फेस पे, बैक, आर्म्स, लेग्स, एनीवेयर, आप कहीं पर भी इसे यूज कर सकते हैं। जस्ट स्क्रब करने के बाद बहुत हल्के हाथों से स्क्रब करना है और उसको 10 मिनट छोड़ देना है। उसके बाद आप नॉर्मली नहाएं, इसे वॉश करें, आप देखेंगे आपकी टैनिंग बहुत क्लियर हो जाएगी। इट विल जस्ट यू नो आपकी स्किन पे ब्राइटनिंग इफेक्ट भी आएगा। आप हफ्ते में इसे 2 बार करें और आपको रिजल्ट नजर आएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। दैट वाज द सिंपल इजी होम रेमेडी जो आपकी टैनिंग हटाने में मदद करेगी, आपकी स्किन को पॉलिश करेगी और आपकी स्किन से डेड स्किन भी रिमूव करेगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू लाइक द वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, इसे सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और आपकी कोई भी फ्रेंड, सहेली, भाभी, कलीग कोई भी है जिसको टैनिंग की प्रॉब्लम है, उसके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।